मौका तूफान से दिल्ली समेत इन राज्यों पर बरसेंगे बादल, पल पल रंग बदल रहा मौसम। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि शाम को मौसम में नमी 31% रही। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार की सुबह सुहावनी रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन में दिल्ली में पारा 40 के पार जा सकता है। वहीं 11 मई के बाद तूफान मोका के कारण दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे क्षेत्र में आज चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ चक्रवात मोका 1-2 दिन में लैंडफॉल करेगा। चक्रवात कहां लैंडफॉल करेगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि इसका रुख बंगाल की तरफ नहीं होगा। इसकी वजह से राज्य में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि चक्रवात के कारण अचानक तापमान बढ़ गया है। अगले कुछ दिनों तक लू की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने आशंका जताई है कि बुधवार से पारा और चढ़ेगा और राज्य के कई इलाकों में और गर्मी बढ़ेगी। अलीपुर मौसम कार्यालय में चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में तापमान बढ़ेगा। कोलकाता में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। चिलचिलाती धूप से पश्चिमी जिले झुलसेंगे, वहां पारा 42 से 43 डिग्री तक चढ़ेगा। अगले 2-3 दिन लू चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। वीरभूम, पूर्व और पश्चिम वर्धमान, बांकुड़ा, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना और पश्चिमी मेदिनीपुर में लू की चेतावनी जारी की गई है। बुधवार को उत्तर बंगाल के मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में लू की स्थिति रहेगी।